everyone. I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN24 International News Network. नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बना एनीकट डैम बारिश में हुआ धराशायी, सवालों के घेरे में जल संसाधन विभाग। झारखंड के हजारीबाग में सरकारी शराब दुकानों का महिलाओं ने किया विरोध। और झारखंड के कोडरमा में युवा कांग्रेस की बैठक सम्पन्न, पार्टी की मजबूती व संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शिक्षा कर्मियों ने तुर्री पानी प्राइमरी स्कूल के शिक्षा कर्मी को कलेक्टर द्वारा थप्पड़ मारने के विरोध में सोमवार से स्कूल का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जिले भर के शिक्षा कर्मी प्रेमाबाग प्रांगण में एकजुट होकर प्रदर्शन किए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। करीब चार घंटे बाद कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा कर्मी संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा कर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। शिक्षा कर्मी संघ के बैनर तले तुर्री पानी प्राइमरी स्कूल के शिक्षा कर्मी हीरा सिंह को थप्पड़ मारने के विरोध में शिक्षा कर्मियों ने स्कूल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। जिले भर के शिक्षा कर्मियों ने स्कूलों का ताला नहीं खोला और एकजुट होकर प्रेमाबाग शिव मंदिर प्रांगण पहुंच गए। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए गए और पीड़ित शिक्षा कर्मी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई। कलेक्टर के साथ गंभीरतापूर्वक चर्चा हम लोगों ने अपने मुद्दों को रखा, उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक जिले के मुखिया और पालक होने के नाते, हम सभी कर्मचारियों के पालक होने के नाते, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी कर्मचारी या किसी भी शिक्षक के साथ कभी भी कोई भी प्रकार की दुर्भावना का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने इस समस्त घटना के लिए खेद प्रकट किया है। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा, जिला पंचायत सीईओ तुलिका प्रजापति, डीईओ राकेश पांडे, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र तिवारी और शिक्षा कर्मी संघ के प्रतिनिधि मंडल के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर में करीब आधा घंटे तक चर्चा की गई। मामले में शिक्षा कर्मी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि शिक्षा कर्मी हीरा सिंह ने कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे शिक्षक बंधु जितने हैं मेरे साथ नहीं, शिक्षक एक शिक्षक के साथ हुआ। क्या हुआ था जो भी हुआ था कलेक्टर साहब के द्वारा, वो अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं, एक शिक्षक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। बस से ही आपको न्याय मिला है? किसी ने हमारे सब शिक्षक को न्याय मिला तो मुझे मिला सर। कलेक्टर साहब माफी मांगे जी। शिक्षा कर्मी संघ के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी भी सामने आ गए। इस दौरान पीड़ित शिक्षा कर्मी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई में साथ देने का आश्वासन दिया। शिक्षा कर्मी संघ द्वारा स्कूल का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण अंचल के अधिकांश स्कूलों में ताला लटका था। हालांकि स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन नियमित रूप से दिया गया। ग्रामीण अंचल के स्कूलों में शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण बच्चे मध्याह्न भोजन कर अपने अपने घर चले गए। शिक्षक हीरा सिंह भी लिए गए निर्णय से संतुष्ट हैं। उनका कहना है, कलेक्टर ने सम्मान दिया है और न्याय मिला है। हालांकि शिक्षा कर्मी संगठन ने कलेक्टर द्वारा खेद जताए जाने की बात कही है, लेकिन दूसरी ओर कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने खेद जताए जाने की बात स्वीकार नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई थी। उन्होंने संगठन से सभी विषय पर चर्चा कर लिए जाने की बात कही है। ऐसी कुछ भी घटना नहीं हुआ था तो उसमें आरोप का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और बस हम लोग जो भी करते हैं, हमारे जो भी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं या हम निरीक्षण करते हैं कि स्कूल के बेहतरी के लिए, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुधार के लिए कर रहे हैं। मैंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया है। हमने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और यदि किसी को लगता है कि हमारी डांट फटकार से किसी को ठेस पहुँचा है तो वैसी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी, ऐसा कहा। महाराष्ट्र के कल्याण में कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ के अंतर्गत गुणवंत एसएससी और एचएसवी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक नरेंद्र पवार ने कहा, विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य पक्का रखना चाहिए। कल्याण चिकन घर में संपन्न हुए सम्मान समारोह में करीब 580 विद्यार्थियों के साथ पालक वर्ग को प्रशस्ति पत्र और मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें महिला बाल कल्याण समिति सभापति वैशाली पाटिल, नगर सेवक अर्जुन भोईर, मोर्चा के सचिव
निखिल चौहान, देवानंद भोईर भाजपा महिला नेता नीरजा मिश्रा आदि मान्यवर उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से बना एनीकट दूसरी बारिश में ही धराशायी हो गया। इस एनीकट डैम के टूटने से सरगुजा जिले के सीतापुर जल संसाधन विभाग सवालों के घेरे में है। सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम पंचायत भीठवा गांव के समीप नदी में किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ जलस्तर को ऊपर लाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए लगाकर एनीकट का निर्माण किया गया, लेकिन वह इस बार की बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सका और भरभराकर बारिश में बह गया। इससे इस एनीकट के निर्माण में हुई गड़बड़ी भी उजागर हुई है। घटिया निर्माण के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। इस एनीकट से किसानों को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जनप्रतिनिधियों ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। दो तीन वर्ष पहले 3-4 करोड़ के लागत से जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया था ये एनीकट, जो पहली बारिश में बह गया और इससे पहले तो बारिश ही नहीं हुआ था। और दुख का बात यह है कि उस एनीकट के बनने से किसी भी ग्रामीण को कोई भी फायदा नहीं हुआ और निश्चित रूप से व्यापक भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के तहत जगह का भी चयन गलत किया गया था और बनने के बाद निर्माण भी घटिया हुआ, तो दोनों तरह से वो शासन प्रशासन का ये घोर लापरवाही मानूंगा मैं। 3-4 करोड़ रुपए का एक चेक डैम बना हुआ है भिठवा गांव में और पहला बरसात, क्योंकि पिछले बार इतना अच्छा बरसात हुआ नहीं था, पहला बरसात ही झेल नहीं पाया और 4 करोड़ करीब का ये जो चेक डैम है इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। इसके खिलाफ में हमारा सीधा सीधा ये मांग है कि जो ठेकेदार है और जो विभागीय अधिकारी हैं, जो जिन्होंने सर्वे भी किया था, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और जो राशि शासन की खत्म हुई है, खराब हुई है, भ्रष्टाचार में खत्म हो गया, वो पैसा इनसे वसूली किया जाना चाहिए। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि वे उच्च अधिकारियों से बात कर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। भिठवा डैम का निरीक्षण करने में गया था, क्रैक कायम हुए हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उनसे जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा एनीकट के घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार किस तरह से कार्रवाई कर पाती है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन झारखंड के जामताड़ा जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां विकास नाम की चीज देखने को नहीं मिलती है। ऐसा ही एक गांव नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय से सटा नतुंडी है। इस गांव में जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। ग्रामीणों को सबसे अधिक परेशानी कच्ची सड़क को लेकर है, जो बरसात में कीचड़ से भर जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ के ग्रामीणों ने कच्ची सड़क को PCC बनाने को लेकर BDO को कई बार आवेदन तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव में पीने के पानी के लिए लगाया गया एक भी चापाकल ठीक नहीं है, जिसके कारण लोगों को बरसात में बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण विधायक एवं अधिकारियों से मांग करने लगे हैं कि गाँव में PCC सड़क और पेयजल की व्यवस्था की जाए। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय नजदीक रहने के कारण सभी पदाधिकारियों को और क्या कहते हैं नेतागण को सबको बोले कि यहाँ PCC करवाइए, आज तक PCC नहीं हुआ है। इस रोड के बारे में कहते हैं कि जो ये कितना बार हम लोग लिखित दे चुके हैं पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, ना सुनता है ना कुछ कर रहा है, हम लोग इसी तरह झेल रहे हैं इस रोड में। महाराष्ट्र के कल्याण में कल्याण डोबीवली महानगर पालिका तथा बिल्डर की मिली भगत से टिटवाला के इंदिरा नगर में सैकड़ों घर बनकर तैयार हो गए हैं और उन घरों को बेचकर बिल्डर तथा KDMC अपनी जेब गर्म कर चुकी है। लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने भी इंदिरा नगर में घर खरीदा है, वह आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है। निवासियों का कहना है कि समय समय पर सभी टैक्स भरते हैं, चाहे हाउस टैक्स हो या पानी टैक्स हो या लाइट बिल हो, लेकिन इन सभी टैक्स भरने के बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधा KDMC देने में नकारा साबित हो रही है। समय समय पर टैक्स भरने के बाद भी स्थानीय लोगों को ना ही ठीक तरह का सड़क, ना नियमित पानी और ना ही लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। मामूली बरसात में ही लोगों के घरों में पानी भर जाता है। लाइट की चपेट में आने से कई लोग मौत के गाल में जा चुके हैं। यहाँ के नागरिकों का मानना है कि उनकी जिंदगी राम भरोसे हो गई है। हमको KDMC वाले ने कुछ सुविधा नहीं दिया है। जब हम बिल्डर यहाँ पे घर बनाया तो KDMC वाला कैसे बनाने दिया उनको, क्या पब्लिक को समझे, हम लोग कैसे कैसे रूम लिए यहाँ पे, हम लोग की हालत एकदम खराब कर दी है। KDMC वाले डेली आया करके धमकी देते हैं कि हम तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, हम लोग को किसी चीज की सुविधा नहीं दिए हैं। 8-8 हजार रुपया हम लोग का टैक्स आता है,
हाँ, लाइट का बिल अब 2000-3000 लाइट का बिल आता है, पानी पीने के लिए नहीं। फिर केडीएमसी वाले कहाँ से पैसा हम लोग से वसूल करते हैं, जब हम लोग को किसी चीज की सुविधा नहीं है। यहाँ पर पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पीने के पानी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो 10 लीटर चाहिए या 15 लीटर, एक एक लीटर के पीछे हम लोग को 50-50 रुपए देना पड़ता है। ये तो आम इतना सारा पैसा हम गरीब लोग कहाँ से लेके आए। बच्चे लोग को अगर पीने का पानी नहीं मिलता बीएमसी का, तो बच्चे बीमार गिरते हैं। डेली दवा खाने में बच्चे लोग की बीमारी की लाइन लगती है। तो ऐसी अगर हालत है तो हम ये नगर पालिका जो है हमारे लिए क्या करिए। टैक्स हम लोग भरते हैं, टैक्स में मेंशन किया है क्या पीने का पानी का पैसा, लेकिन अगर पीने का पानी है ही नहीं तो हम पैसा क्यों भरे। 1995 से लेके आज 2017 तक इस इंदिरा नगर में कोई भी ऐसा चीज अभी तक उपलब्ध करके दिया नहीं है। आज लोग बिजली के तारों से गिरने की वजह से मर रहे हैं, गटर का पानी घर में घुसने की वजह से मर रहे हैं, और यहाँ रात को जब लोग आते हैं खड्डा बरोबर नहीं समझता है बोल के वो खड्डे में गिर के भी मर रहे हैं। और इसका सब जिम्मेदार कल्याण डमोली महानगर पालिका है। झारखंड के कोडरमा में जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रविवार को युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर के अध्यक्षता में झुमरी तलैया मुख्यालय स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि कांग्रेस के युवा नेता ईश्वर आनंद व विशिष्ट अतिथि प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर, कोडरमा जिलाध्यक्ष शंकर यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में युवा कांग्रेस को मजबूत बनाने एवं जिले में संगठन के विस्तार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। ये राजनीति में होता रहता है, भारत की जनता जो है वो सब चीज़ों को समझती है। कुछ उन्होंने एक जुमला दिया, धर्म का अफीम खिलाया लोगों को कि हम मंदिर बना देंगे, गोहत्या पे रोक लगा देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, 15 लाख देंगे, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। हिंदुस्तान की सीधी साधी जनता उनके झांसे में आ गए और एक बार उनको मौका दे दी। आप इतिहास गवाह है कि इसीलिए दोबारा कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती है, फिर ये 19 में जाएंगे और उसमें दोबारा नहीं आएंगे। झारखंड में हजारीबाग के स्थानीय कांग्रेस ऑफिस में यूथ कांग्रेस द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्यतः पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। समारोह में मौजूद कांग्रेस पार्टी के बरही विधायक मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार को लगातार मजबूत कर रही है और यह अभिनंदन समारोह इसी की एक कड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की हिटलरशाही सरकार ने कई ऐसे फैसले कर दिए जो जनहित में नहीं थे। सरकार द्वारा शराब का बेचा जाना इसी का एक उदाहरण है। भाजपा की सरकार है जिसके कथनी और करनी में अंतर है। जो पूर्ण रूप से सांप्रदायिक सरकार है और आज अपने नीति सिद्धांत से भटक कर मॉब लिंचिंग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को आज किसान मर रहा है, यहाँ किसान मर रहा है, किसानों को देखने वाला नहीं है। मोदी सरकार जो बोले थे कि हम करोड़ों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं है, किसानों का ऋण नहीं माफ हो रहा है। राज्य सरकार की भी कथनी और करनी में अंतर है। हम सारे जो राज्य सरकार जो जन विरोधी जितनी नीतियां हैं उसका हम लोग संविध लेकर आने वाले दिनों विरोध करेंगे। का युवा और छात्र कांग्रेस पार्टी जो लोग जुड़े हैं काफ़ी एक्टिव और काफ़ी मजबूत रहे। आप जैसे देखेंगे छात्र संघ चुनाव और आखिरी चुनाव हुआ वहाँ पर सारे कॉलेजों में जीत कर आए। जो उम्मीद जो नई टीम चुनकर आई है बहुत जवान है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिन में कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है इस देश को झारखंड को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को मजबूत बनाने का मौका मिला। झारखंड सरकार द्वारा राज्य भर में 1 अगस्त से शराब बेचने की घोषणा के पहले दिन ही हजारीबाग की महिलाओं ने शराब दुकानों का जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार पूरे राज्य भर में अपने पहले चरण में 210 खुदरा दुकानों में शराब बेचने की तैयारी पूरी कर 1 अगस्त को कई स्थानों पर शराब की दुकान चालू की। शराब की दुकान खुलते ही महिलाएं सड़क पर उतर गईं और झारखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ शराब दुकानों को बंद कराने लगी। बता दें चले कि हजारीबाग में राज्य सरकार द्वारा कुल 28 शराब की दुकान खोलने की योजना है, जिसमें 6 शराब दुकानों की खोलने की तिथि 1 अगस्त तय की गई थी, लेकिन जैसे ही शहर में शराब की दुकान खोला गया महिलाओं का पुरजोर विरोध शुरू हो गया। विरोध बढ़ता देख हजारीबाग पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिलाएं शराब की दुकानें बंद कराने में उतारू थीं।
हम लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि औरतों लोग का तकलीफ पहुँचे, इसलिए ये शराब दुकान एकदम नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। हाँ बस, हम लोग का बाल बच्चे सब बर्बाद हो रहा है, हम लोग का घर जल रहा है। जैसे अग्नि का चीता जलता है उसी तरह से हम लोग का घर जल रहा है। हमारे बच्चे लोग पी पा के आके घर का सामान रबूत कर देता है, टीवी तोड़ देता है, फ्रिज तोड़ देता है, कुछ तोड़ देता है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान में है और ये दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। झारखंड में रांची से प्रशिक्षण कर लौट रहे चतरा सदर बीडीओ पवन आशीष लकड़ा और उनकी पत्नी दोनों बालूमाथ रांची रोड में बरनी जंगल के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों अपनी बाइक से रांची से चतरा वापस जा रहे थे कि बाइक अनियंत्रित हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण दोनों को हल्की चोटें लगी हैं। बीडीओ और उनकी पत्नी को हाथ और पैर में चोट लगी है। अभी सभी का इलाज बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना के संबंध में जतरा बीडीओ ने बताया कि रांची से ट्रेनिंग लेकर जतरा के लिए जा रहे थे, इस बीच सड़क पर गिरे मिट्टी और बालू से बाइक अनियंत्रित हो गई और वही गिरकर घायल हो गए। मालूम हो कि जतरा बीडीओ का तबादला जतरा सदर से पलामू जिले के तरहसी हो गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से तीन बाइकर्स आज संपूर्ण भारत यात्रा करने के लिए रवाना हो गए। ये बाइकर्स 96 दिन में संपूर्ण भारत की यात्रा करेंगे। इससे पहले भी इन्होंने 2003 में भी साइकिल से यात्रा की थी। इन्होंने 22,000 किलोमीटर की यात्रा की और संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों से खेल नीति लाकर उस आधार पर राज्य में खेल नीति बनाई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के अलग अलग राज्यों की विकास का आधार पता कर बस्तर में उस आधार पर विकास का काम करना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार। हाय, आई एम निकिता शर्मा एंड यू आर वॉचिंग INN24।